बिना अदरक बिना लहसुन के क्या कोई सब्जी टेस्टी बन सकती है? जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शादियों वाली गोभी आलू की सब्जी, वो भी कम तेल में और बिना अदरक लहसुन के। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? सो आज मैं शेयर करूंगी शादियों में बनने वाली गोभी आलू की बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी रेसिपी। और अच्छी बात यह है कि हम इसे बहुत कम ऑयल और कुछ बेसिक मसालों से ही तैयार करने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में आधा कप सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है हाफ टी स्पून जीरा। चंद सेकंड के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए 2 खड़ी मिर्च। चंद सेकंड के लिए इसे भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज की प्याज को, तो जिसे मैंने इस तरह से काट लिया था, तो मैंने ऐड कर दिया है। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक के हमें फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। यहाँ पर मैं ये मिर्चों को निकाल ले रही हूँ, इसे मैं बाद में ऐड करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने 2 गोभी के फूल को इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लिया था और इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया था और इसे इस तरह से स्ट्रेनर में रख रहा था, इसलिए ताकि इसका पानी ड्रेन हो सके अच्छे से। और गोभी को मैंने ऐड कर दिया है, इसे मैं 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लूंगी। इस तरह से फ्रेंड्स, आप जब बनाएंगे ना तो बहुत ही कम ऑयल में आपकी बिल्कुल शादियों वाली सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आलू को। तो 2 मैंने लार्ज यानी कि बड़े साइज के आलू को इस तरह से लंबा लंबा काट लिया था, तो इसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो इसे भी अभी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, टेस्ट में कोई भी कमी नहीं आने वाली है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी से कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाता है फ्रेंड्स। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप मिर्चें यहाँ पर थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम ऐड करेंगे जिससे आती है खाने में जान, जी हाँ फ्रेंड्स, नमक। तो यहाँ पर मैं नमक 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेना। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च को 2 टुकड़ों में इस तरह से काट लिया था, तो उसका मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर, तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से मैंने काट लिया था छोटे टुकड़ों में, तो मैंने ऐड कर दिया है। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से अब कर लेना है मिक्स। एक बात बताऊं फ्रेंड्स, मेरे घर में तो ये विंटर की मोस्ट फेवरेट रेसिपी मानी जाती है। आप भी मेरे तरीके से एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, तो आपके घर की भी ये सभी लोगों की फेवरेट हो जाने वाली है। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप वाटर को ऐड कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से गल सके। और अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट तक के कुक होने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही लाजवाब सी, बिल्कुल शादियों वाली जो बनती है शादियों में, बहुत ही कम ऑयल में टेस्टी सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम थोड़ी से हरे धनिया से इसे गार्निश कर देंगे, कटे हुए हरे धनिया से, बहुत ही अच्छा सा लगता है, टेम्पटिंग लगने लगता है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे आप पूरी, पराठे, रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर से एक अच्छी सी लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।